जो पिछले क्लास में आपने शरीर के अंग के बारे में जान लिया था, अभी आज हम क्या सीखेंगे? स्वर, यानी कि स्वर कौन से हैं, अ से लेकर अहा तक। हाँ, उसमें जो भी अनुनासिक है, विसर्ग है, वो अलग है, लेकिन क्या है? स्वर अ से लेकर अमहा तक। और अ से लेकर कौन से शब्द स्टार्ट होते हैं, कौन से शब्द की शुरुआत होती है, उसके बारे में आज हम जान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं लिखते जाती हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा वाला अदरक, तीसरा वाला अफसर, तीसरा वाला अफसर, चौथा वाला क्या है? अखबार। अखबार। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आप मैंने यहाँ पे लिखा है अ से शुरुआत होने वाले अक्षर, अब अदरक अफसर अखबार। तो इसको इंग्लिश में नाउ मीन्स अब, अदरक मीन्स गिंगर, ठीक है, और अफसर मीन्स ऑफिसर, अखबार में न्यूज़पेपर। ठीक है, ये हो गए चार अक्षर। अभी दूसरा अक्षर कौन सा है? आ। अभी दूसरा अक्षर है आ, आ मीन्स आज, आज आलस, आदर, चौथा अक्षर है आसमान। ठीक है, अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज हम इसका अभी इसका हम मीनिंग जानेंगे। आज मीन्स टुडे, ठीक है, टुडे। आलस मीन्स लेजी, आलस मीन्स लेजी। आदर मीन्स मैनर, ठीक है। आसमान मीन्स स्काई, आसमान मीन्स स्काई। उसके बाद क्या आता है? ई, ई ईश्वर, 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 इच्छा, इच्छा। और क्या है? इलायची, चौथा अक्षर है ईमान। ईमानदार, ओके। ईश्वर मीन्स क्या है? गॉड, ओके। इच्छा मीन्स विश, इलायची मीन्स कार्डमम, ठीक है। इसके बाद ऑनेस्ट, ये हो गए ई से बने अक्षर। अभी आगे हम सीखेंगे बड़ी वाली ई। अगला वाला अक्षर है ई, ई ईद, ठीक है।
बीक। इसके बाद ई ईश्वर। ईश्वर ई ईट। ठीक है, ये हो गए चार अक्षर ई सेवन। अभी ईद मीन्स फेस्टिवल। ईक मीन्स शुगर केन, शुगर केन। ईश्वर मीन्स गॉड। ईट मीन्स ब्रेक्स। दीज आर द वर्ड्स। ओके, ई। इसके बाद ऊ। ऊ उल्लू। ऊ उधर। ऊ उदार। उमंग उदास। ठीक है, ये हो गए ओ से बने अक्षर। अभी देखिए यहाँ पे उधर इज हियर, हियर ऑल्सो देयर ऑल्सो देयर। उधार मीन्स बोरो। उमंग मीन्स होप्स। उदास मीन्स नर्वस। नर्वस। ऊ ऊ यहाँ देखिए ऊन ऊंट ऊपर। ठीक है, अभी ऊन मतलब क्या है? ऊन 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 मीन्स कैमल। ऊपर मीन्स अप। ये हो गए ऊप से बने अक्षर। अभी आपको क्या करना है? रू ए आई ओ औ अम अहा के पांच डिग्री। रू ए आई ओ औ अम अहा, यानी कि सात अक्षरों का आपको ऐसे बनाना है। मैंने आपको अभी छः या सात सिखाए हैं, तो अभी आपको सात वाले अक्षर इस तरीके से लिख कर उसका मीनिंग आपको लिखना है। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूँगी, फिर भी आपको ट्राई करना है वो लिखने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम सीखेंगे रू से लेकर अमहा तक, या तो आप कंप्लीट करते हैं तो मैं स्टार्ट करूँगी क से लेकर आगे वाले अक्षर तक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।